कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने uh, है पानी पानी uh, तो फिर देवेंद्र फडनवीस दूसरे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से ही मोमेंट नाउ बट फडनवीस जी आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस आप बताइए रूरल महाराष्ट्र में आपने क्या किया है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की किल्लत वहां पर है मुंबई की आपने बात की आपने ये भी बताया कि ये इस पर गौर किया जा रहा है कि मुंबई में सोसाइटीज पर ये इसको कंपलसरी कर दिया जाए पर रूरल इंडिया रूरल इंडिया रूरल महाराष्ट्र में आपने क्या किया है ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए आपने कदम उठाए हैं वहाँ गाँव में जो नेचुरल वाटर रिजर्वर्स हैं उनके लिए आपने क्या किया है मैं न्यूज एटीन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि न्यूज एटीन ने पानी का ये कैंपेन हाथ में लिया मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में आज पानी के ऊपर काम करना अत्यंत आवश्यक है और विशेष रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पानी को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी मांग माना है हम लोग आज देख रहे हैं जिस प्रकार से सूखा पड़ रहा है जिस प्रकार से पानी की किल्लत तैयार हो रही है मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम सभी के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और विशेष रूप से जलवायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के बाद एक ऐसी स्थिति है कि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्तमान तो होगा लेकिन भविष्य नहीं होगा महाराष्ट्र में भी इसी बात को समझते हुए बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हमने गांवों में जलसंधारण के माध्यम से वहां पर ट्रीटमेंट का काम हमने किया रिच टू वैली अप्रोच लेकर हम लोगों ने वहाँ पर करीब पाँच लाख छोटे स्ट्रक्चर्स को तैयार करने का काम किया आज उन्नीस हज़ार गाँव महाराष्ट्र के ऐसे जिन गाँवों ने वाटर बजटिंग किया है और उस वाटर बजटिंग के अनुसार वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं और पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ आज महाराष्ट्र में ये काम चल रहा है जिसके साथ साथ हमने करीब डेढ़ लाख खेत तालाब तैयार किए हैं, और आज गांव स्वयं अपना वाटर बजटिंग करते हुए अपने आप को जल स्वयं पूर्ण कर रहा है इसका परिणाम यह है कि सूखे में भी आज हम लोगों को कुछ न कुछ राहत इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मिल रही है जी। और इसको एक बड़ा फोकस महाराष्ट्र की सरकार की ओर से दिया गया है बिल्कुल देवेंद्र फडनवीस जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये कहा जो जो मुहिम छेड़ी है कि फार्मर्स को ये कहा जाए कि आपको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा सब्सिडीज दी जाएगी अगर आप ड्रिप इरिगेशन से गन्ना उगाते हैं ये इट सेल्फ इज अ बिहेवियरल चेंज क्योंकि हम और आप ये सोचते हैं कि चावल जब तक पानी नहीं भरा होगा खेत में चावल नहीं उग सकता बट ये वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं ये भी मुझे नहीं पता था ये भी ज्ञान मैंने अभी प्राप्त किया है जब

so uh, it was just a private conversation, but it's a bit embarrassing. but um, in, in, when i was growing up in chennai, i was there till about 86 when i left to go to benares to study. but uh, early 80s, mein, there was a massive drought in chennai. so we used to take water from the well. i still remember pulling water up. but about for six or seven months, water completely stopped in chennai to the extent that there was zero water availability. And I remember my two sisters and I and my mother used to go down every morning in Chennai onto the street and we used to wait for the metro water lorry to come and the lorry guy would come and spray the water as that is the only way he could distribute it to so many people. We would all stand with what we call kodam which is like a plastic uh, burthen to catch the water and if by some chance that day you are not there to collect the water, there is no water for the house no water for bathing no water for toilet nothing so life has moved on for me from there but i still remember those days and i don't want those days to become a reality going forward no and, and not for anybody because for for us you know by by the almighty's grace life has moved on but for a lot of them it's not moved on it's still the same scenario despite टू मंथ्स लेटर चेन्नाई सींग्ल चेन्नाई इज जस्ट एन एग्जाम्पल दिस इज रियालिटी विद एवरी सिटीस आर कंट्री इन एवरी विलेज आज बाढ़ है कल सूखा है आपको क्या लगता है कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं अभी अभी यहाँ आने से पहले आप चेन्नई की बात कर रहे थे तो हमें एक ऐसे शख्स से मिले अभी जो कि चेन्नई के वासी हैं और उन्होंने ये हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की किस तरह उन्होंने बताया कि जब तक जो पानी जो बरसता है वो धरती के अंदर नहीं जा पाएगा तब तक हमारे कुएं का जो स्तर है वो ऊपर नहीं आएगा और कई बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुएं में से पानी निकाला जाता था अब उसका स्तर जो है वो नीचे चला गया बहुत सी ऐसी बातें बताएं, जैसे कि समुद्र तट पे जो बीच होता है वो ज़मीन जो होती है वो धरती जो होती है वो पानी को खींचती है अंदर और इससे हमारे जो पानी का स्तर है वो बढ़ता रहता है लेकिन हुआ क्या है कि बहुत से जो कहने में थोड़ी सी आपत्ति रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्होंने वहाँ पर हाई राइज बना दी हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं तो उससे क्या हुआ कि वो सीमेंट हो गया है जगह और जो पानी जो है वो धरती में नहीं जा पा रहा है बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उससे हमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है क्योंकि अगर उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो पानी चला गया अंदर वो सुरक्षित है सुरक्षित है जी कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और काम हो रहा है जगह जगह लेकिन वो एक शख्स है और वो एक शहर में काम कर रहा है हमें चाहिए बहुत सारे ऐसे शख्स जो बहुत सारे शहरों में काम करें बिल्कुल एंड uh, आप लोग इतफाक रखते हैं अमित जी की बात से आप आप में से तो कई पानी में हमसे ज्यादा जानते हैं जो अभी है हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं एक मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी अक्रॉस इंडिया जहां कम से कम अमित जी अगर चालीस पचास फुट के नीचे जब आप खोदते हैं तो आपको एक परत प्लास्टिक की मिलती है तो हमने जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर करके वो प्लास्टिक जमीन में जो चला जाता है वो ये तो नहीं होता बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो वो परत ऐसी रहती है तो पानी जो है जो पहले नीचे चला जाता था अब वो ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है तो दैट इज वन मोर रीजन अदर रीजन वाई देर इज नो ग्राउंड वाटर द पर्सन ज्वाइनिंग नाउ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी जी नमस्कार आप, आप माइकअप कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा कि नौ अगस्त को योगी आ, सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में बाईस करोड़ पेड़ लगाए हैं ट्वेंटी टू करोड़ <laughs> ट्रीज प्लांटेड ट्रीज और ये सारे हैं जो वाटर रिटेनिंग ट्रीज हैं यानी कि बरगद के पेड़ नीम के पेड़ आम के पेड़ ऐसे पेड़ उन्होंने पीपल के पेड़ ये उन्होंने लगाए हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश ताकि जल को रोका जा सके अब योगी जी एक बात बताइए कि यह तो आपने काम किया है लेकिन एक ये कहते हैं ना हर घर से शुरुआत होती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के सभी जो सरकारी कार्यालय हैं, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी और रूरल उत्तर प्रदेश में कैसे इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं जल जीवन जल संरक्षण को और हर, हर घर जल कि हमने हर सरकारी भवन में तो इस बात को अनिवार्य रूप से किया लाख प्रधानमंत्री आवास आवास योजना के आवास हमारे यहां या तो बने हैं या बन रहे हैं इन आवासों में भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था या फिर जो भी बरसात का जल संचय होता है उसको संचित करने की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर लागू की अवेयरनेस के कार्यक्रम इस देश से चलाए जा रहे हैं कि भाई सौ स्क्वायर फुट से ऊपर का कोई मकान बनाएगा और नक्शा पास कराने के लिए जाएगा तो उसके लिए एक अनिवार्य शर्त होगी कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उसमें लागू करे वाह ये हमने जहां शहरी क्षेत्रों में प्रदेश के अंदर लागू किया वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए दो व्यवस्थाएं लागू की पेयजल में भी और सिंचाई के व्यवस्था में भी पेयजल में व्यवस्था की लोग पानी उपयोग करते हैं लेकिन स्टैंड पोस्ट से पानी गिरता रहता है एक तो पानी गिरे ना अगर पानी गिर रहा है फिर उसको एक पाउंड में सुरक्षित कर लें जिससे पशुओं के लिए उसका उपयोग किया जा सके या फिर चिड़िया पक्षियां उस पानी का उपयोग कर सकें या फिर वो पानी एक जगह किसी जगह इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी का उपयोग हम खेती में वहां पर लोग अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकें इसको हमने लागू किया है दूसरा हम लोगों ने इस चीज के लिए लागू किया है कि सिंचाई के लिए अब परंपरागत सिंचाई की व्यवस्था लागू करने की बजाय हम ड्रिप इरिगेशन में चाहे व्यवस्था को भी हम लागू करें वन थर्ड सिंचाई की आवश्यकता उसके माध्यम से पड़ती है और ये सोचना गलत है कि धान की खेती या गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन संभव नहीं मुझे लगता है कि ड्रिप इरिगेशन किसान की लागत को कम भी करता है और साथ साथ उत्पादन की खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है हमने गन्ने की खेती में धान की खेती में ड्रिप इरिगेशन के प्रयोग को देखा है बहुत प्रभावी है बहुत अच्छा है कम सिंचाई में अच्छी पैदावार इसके माध्यम से हो सकती है और मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जितनी हमारी क्षमता है इस क्षमता से लगभग ढाई से तीन गुना अधिक सिंचाई हम लोग उतने ही जल में कर सकते हैं और इसके लिए हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों को प्रदेश के अंदर ड्रिप इरिगेशन में जाने के लिए नब्बे फीसदी तक सब्सिडी की व्यवस्था भी हमने इसके माध्यम से दी है वाह वाह योगी जी ये दीज आर आर नेसेसरी एट अ गवर्नमेंट लेवल फॉर इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिव्स योगी जी मैं आपकी तौर आपकी रुख करूं पहले मुझे बता रहे हैं कि सदगुरु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदगुरु जी थैंक यू वेरी मच यू टू द रैली फॉर रिवर्स एंड नाउ यू आर नाउ टेकिंग अप The campaign called Kaveri Calling. Now, Kaveri is a bone of contention for many decades now among states as to who will get the water. But nobody has ensured that the Kaveri has enough waters for to provide for all the states. Why don't you talk us through this uh, right at the first? Because uh, this is something which you've also just recently launched. And and uh, thank you for joining us here on Mission Pani. Namaskaram. Namaskaram, sir rally for rivers was essentially an awareness program to change the policy of how we relate and uh, treat our rivers in the country so this movement went through 16 states the chief ministers of all the states across political spectrum participated in the movement and uh, then it went to the prime we presented this to the prime minister within two and a half months Niti Ayog, after having put it through the scientific and the economic tests, uh, sent it out as official recommendation for all the 29 states. About four states are going proactive in implementing this policy; rest are in various stages of debate and discussion. As a part of this, we also launched a, uh, an action on-ground action program in in the Yavatmal region, right. which is unfortunately known. As the suicide capital of this country, yep. uh, for the Wagadi River, which is a 54-kilometer stretch, we are on ground uh, implementing this. Wow. But now Kaviri Calling is a, a project which is in partnership with the farmers, with the government, and with the larger civil society. What this project is about is, see, right now kaveri has depleted over 40% in the last 50 years' time. in the last 50 years, we have removed 87% of the tree cover in the kaveri basin. kaveri basin accounts for approximately 83 to 85,000 square kilometers with about yes. 120 streams and rivers which feed kaveri as tributaries. now, the biggest misunderstanding that people have is that people right. think river is a source of water. A well is a source of water. Or a lake or a pond is a source true. of water. These are not sources of water. Absolutely, these are destinations to which water has come. True. Ninety-six percent of the water in this country is well, monsoon water. I heard water. this. I heard this. I heard this, Sadhguruji, first from you. But not just Kaveri. Let me also tell our viewers that News18 had done a special story on the Gangotri Glacier. It's gone back 19 kilometers. The Gangotri Glacier, source of the river Ganga. Has gone back 19 kilometers over the last three and a half, four decades. So it's a serious issue. Where is this? Why is, why is the water not being replenished there? So we are looking at climate change. They all seem to be interlinked. Our use of plastic, reuse of plastic. I'm going to request all those who have a bottle of water today, the plastic bottle, think if you can use it again and see if we can reduce our plastic print too. We have to get conscious at, very, at every level. But Sadhguruji, you were the first person from whom I heard this. ज्ञानवर्धन जब भी मैं आपसे बात करता हूं लोगों से बात करता हूं पानी पर तो होता है मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि चार हजार बीसीएम पानी गिरता है बट वी सेव लेस देन थ्री हंड्रेड बीसीट नाइनटी सिक्स अब हाउ कैन वी मेक जल रक्षा अज्जान आंदोलन आई गुड कम बैक टू दैट अगेन एंड अगेन हाउ इज इट एट ईच इंडिविजुअल पर्सन इज इट पॉसिबल फॉर अस टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट और डू वी हैव टू लीव इट टू द पावर्स दैट बी दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे जो करेगा सरकार करेगी Let uh, the idea of Jalaraksha not mean exploiting everything. There is other life. This land, this water, this world is not just for human beings, there is also other life. So, water has to flow. If you ask me, the ideal way is if fifty percent of the river water, if we use other fifty percent, must go into the ocean. But with the pre present population pressure, if that is not possible, at least twenty five to thirty percent of the water must go into the ocean. Why right. is this so? There is an ecosystem around the subcontinent. We have 7,400 kilometers of coastline. If this river water does not go in substantial quantities into the ocean, because of the nature of our substrata, the marine water will start coming in to the land. Wow. Looking at the rock structure, it can come up to hundred to hundred and thirty kilometers inland. If this comes, which is already happening in Tamil Nadu, fifty to sixty kilometers already inland, marine water has come, no agriculture is possible. Wells which had sweet water just fifteen to twenty years ago are all salt water right now. In Gujarat, every year they're use, losing some five hundred square kilometers of land to marine water coming in so if this happens india will lose one third of its land mass to marine wow. water that is the substrata will be filled with salt water you cannot use it for anything so it's extremely important that substantial amount of river water flows into the ocean do not think of more exploitation think of revitalization see how to implement revitalization of land and water don't just think about how to exploit more because you are not wow. the only life wow. who lives on this planet. Wow, Sadhguruji, please, please stay on with us. I'll, before I go back to uh, Yogi -ji, Amit Ji, you've been listening to all of them. The the magnitude of it, even for me, is just sinking in. The task that we have as, as a people, as a country. Yeah, I think it becomes all the more important to listen to uh, these very noble and worthy words and start thinking more seriously. Start sharing this information where we work in the environment that we move around in talk to our children tell them what is going to happen in the years to come and slowly inculcate in them some kind of a culture which goes along with the thinking of these very noble people it is a massive problem it's like you know a disaster that has already started to happen and if we don't control it and watch it what he's talking about the landmass erosion is so evident i can talk from personal experience you know we used to go to shoot our films in, in Goa. We used to stay in this hotel at the Fort Aguada, and there was a lovely beach. And we used to, you know, go and spend our spare time there. And a couple of years back, I just happened to go back there. There's no beach left. It's come right up to the hotel, and slowly all this erosion is taking place. And it's very disheartening to see all this thing happening. So somewhere, all of us have to start making and doing things. To preserve the water systems. True. Sorry, I'm throwing some more numbers, but uh, here is some more. 6%, only 6% of the total water in our country, water consumption in our country, is done by urban India or households, urban households. Another 5% by the industries. 89% is rural India, largely agriculture. And the related activities to agriculture, and that's where the focus of the government so far has been, because this Jal Shakti Abhiyan talks about replenishing our traditional water conservation sources. If we go back to what our civilizations used to do in the past, it was all around conserving water, trying to hold back and store water because water is life. <laughs>